मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरू जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है। अरे हरू जी, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ अरू जी, मैं सच कह रही हूँ, अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है। आप देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो मेरी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे, मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है, अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है।
फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मोह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है। फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाले चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा बीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम बीरा है तो क्या हुआ, तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जा, जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गाँव में समझदार है, जरा देखो मैं भी खोल के बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ, आ बचाओ, ओम नमः शिवाय, मर गई मैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल राग के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां जाते हैं। शिक्षा, बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है।